जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कहता है देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और इस एक्स एक्सिस में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वर्क डन मूविंग चार्ज 0.2 कूलम थ्रू डिस्टेंस 2 मीटर अलोंग लाइन 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के साथ मतलब इस लाइन के साथ 60 डिग्री मतलब या ये मान लो ये एंगल 60 डिग्री पर मैंने एक चार्ज को मूव कराया, ये एंगल 60 डिग्री है और मैंने 0.2 कूलम जो है चार्ज 0.2 कूलम चार्ज को मूव कराया थ्रू डिस्टेंस 2 मीटर। ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर है जो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर है, ये इधर मैंने ले गया एक चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो ये कहता है कि यहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन हो गया वो 4 जूल हो चुका है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता होगा कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। वर्क डन होता है ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और उसी की डायरेक्शन में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू इधर होगा, बराबर है, इस पे फोर्स इधर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट के मैं कंपोनेंट कर दूं तो एक डिस्प्लेसमेंट इधर आ जाएगा जो होगा 2 cos 60, और एक डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर जो होगा 2 sin 60। तो जब फोर्स इधर है एक्स एक्सिस में तो जो वाई एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में मूव कराने में कोई वर्क ही नहीं होगा यार, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। तो जो वर्क डन हुआ होगा वो 2 cos 60 की वजह से होगा। तो जो वर्क डन है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट डी। अब इधर ले जाओगे तो फोर्स हो गया QE और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 cos 60, बराबर है ना, मतलब उसी की डायरेक्शन में फील्ड और उसी की डायरेक्शन में फोर्स और उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन आ जाता है, क्योंकि कॉस जीरो हो गया यार और वर्क डन है 4 जूल। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 4 upon इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू और मल्टीप्लाइड बाई 2 cos 60। तो अब वैल्यू डाल दो, कुछ नहीं करना है। तो 2 चार्ज की वैल्यू कितना था, 0.2 था, और ये 2 और cos 60 sin 30 1/2। तो 2 ने 2 को, और एक काम करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट हट गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो मतलब 20 न्यूटन पर कूलम, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बी ऑप्शन सही है, बराबर है। चलो एक आता चार